जैसा माप दिया होगा वैसा ही ठीक है। पहले डायगोनल बना रहा है, डायगोनल एक लेवल मारा जो इधर से मान लीजिए 3 मीटर होगा, इधर से 2 मीटर होगा, कोई भी एक मान लीजिए माप दिया होगा, तो माप लेके डायगोनल मारिए, उसके बाद 250 का स्टेप राइजर मार लीजिए, उसके बाद एमएस चैनल लेके आके जिसको जितना नोज आ रहा है उतना नोज कट लीजिए। हमारा आया 50 mm, जो 50 mm में कटा है उसके बाद इसके साथ में इसका कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद एक लेफ्ट में इसको लगाया, उसके बाद 250 mm का 49 का इंजन कटिंग किया, ऐसे लेज कटिंग करके ग्रेनिंग मार दिया, ठीक है। ग्रेनिंग मारने के बाद एक एक करके एक एक करके लाइन पर बैठा लिया, उसके बाद बैठने के बाद पूरा इसको होल्डिंग मारना चाहिए, पूरा लगा लिया, देख लीजिए पूरा लगा लिया। शुरू में आपका ऐसे ही चिन्ह रहेगा, शुरू में आपका ऐसे चिन्ह रहेगा, उसके बाद लेफ्ट का ऊपर बैठा के आपको फुल ऐसा सेटिंग करना पड़ेगा, आपका 6 mm थिकनेस का प्लेट रहेगा तो उसी लाइन से 5 mm नीचे डाउन में लगा के आपको इंजन लगा के जाना पड़ेगा, उसके बाद फुल होल्डिंग होने पर आपको इरेक्शन होगा, इरेक्शन होने पर आप लोग दिखाएगा कैसे इरेक्शन हो रहा वो भी पूरा ये वीडियो में दिखा देगा आपको, पूरा लाइन में रहेगा स्लिक कैसे डिजाइन में होगा, कैसा डिजाइन हो रहा, कुछ गलत होगा कोई सही हो रहा, तो आप लोग पूरा फुल देखिए। अभी तो फिटिंग फैब्रिकेशन कर रहा है इधर में और अभी इरेक्शन भी कर देगा इसी जगह में, ठीक है। आप लोग देख लीजिए ऐसा हिसाब से होगा, पहले ड्राइंग ऐसे आएगा, ड्राइंग को थोड़ा फॉलो करना चाहिए, ये जो ड्राइंग है ड्राइंग से फॉलो कीजिए, उसके बाद ज़्यादा नहीं बोल रहा बड़ा कर रहा, उसके बाद आप लोग को कैसे सीढ़ी फिटिंग पूरा फुल देखा रहा वो आप लोग देखिए। इस वीडियो जो आप लोग का अच्छा लगेगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हाय फ्रेंड, आप लोग देख रहा है आज लैडर बना रहा, लैडर का कैसे बना जाता है वो आप लोग देखिए। पहले हम लोग इधर मार्किंग कर लिया, इधर में मार्किंग कर लिया, देख रहा है मार्किंग करने के बाद उसका ऊपर
हमने एमएस वन फिफ्टी का चैनल भाग धरने के बाद मार दिया, उसका नीचे 5 mm लेके उसका इंजन लगा के जा रहा है। देखिए लगा के जा रहा है, अब लाइन में रहिए आप लोग। हाँ ऐसा लगा के जा रहा है, उसके बाद